हेलो एवरीवन वेलकम टू आर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन मेरा नाम गुंजन मल्होत्रा है मैं एक ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट हूँ आज हम लोग बात करेंगे कनाडा के एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज के बारे में क्या कनाडा ने क्या आईआरसीसी ने एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज को बंद कर दिया है इसके बारे में बात करेंगे क्या पी बंद हो गया है कैनेडा के केस में इसके बारे में हम लोग बात करेंगे इससे पहले हम लोग आगे बढ़े डिटेल्स में जाएं। पहली रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे दिए हुए बेल आइकन पर भी हिट कर दीजिए ताकि इस तरह की कोई भी लेटेस्ट अपडेट या आए वो आप तक पहुंच सके तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि लेटेस्ट अपडेट क्या है एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ को लेके लास्ट जो ड्रॉ होना था एक्सप्रेस एंट्री का एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉ जो आई की तरफ से होना था वो नहीं हुआ वो स्किप कर दिया गया है आई के थ्रू और इसके चलते बिकॉज अभी बहुत से रूल्स चेंज हो रहे हैं स्टडी वीज़ा को लेके और नॉर्मल जो एल एम आई एज़ और बहुत तरह के जो फीडबैक्स आ रहे हैं मिस्टर मार्कफर की तरफ से आई आर सी सी के जो मिनिस्टर हैं हेड हैं उनकी तरफ से लोगों को एक उनके मन में दहशत बैठ गई है कि कहीं जो पी आर का एक्सप्रेस एंट्री का जो ड्रॉ होता है एप्लीकेशन होता कहीं वो बंद तो नहीं हो गया तो हम लोग आपको एक्जैक्ट इन्फॉर्मेशन बताएंगे देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है लास्ट yes, ड्रॉ नहीं हुआ समहाउ स्किप हो गया ये इस साल में पहली बार हुआ है बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये आज तक कभी हुआ ही नहीं ऐसा पहले भी हो चुका है मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आई का जो ड्रॉ इस बार स्किप हुआ है ये पास्ट में 2023 में भी स्किप हुआ था और इसके बहुत से कारण हो सकते हैं दो कारण जो अभी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं मैं उनके बारे में बात करूँगा पहला कारण तो ये है कि जो प्रूफ ऑफ लिविंग फंड्स का जो रिक्वायरमेंट था वो रिवाइज़ हुआ है एक्सप्रेस एंट्री के लिए तो देर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि इसके चलते इस बार ड्रॉ नहीं हुआ क्योंकि जिन लोगों ने पहले ड्रॉ में जिनको एक्सप्रेस एंट्री में अपनी प्रोफाइल जिन लोगों ने पूल में डाली थी उन लोगों को एक डेडलाइन दी गई थी विच इज़ ऑन ट्वेंटी ऑफ मे कि इतने फंड्स का अरेंजमेंट आपको करके दिखाना है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि ट्वेंटी ऑफ मे के बाद ये ड्रॉ फिर से हो दूसरा रीज़न कैन भी कोई टेक्निकल ग्लिच रहा हो आई की तरफ से जिसके चलते ये ड्रॉ नहीं हुआ था अभी तक आई की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो अगर तो पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया जो प्रूफ ऑफ लिविंग फंड्स अगर वो नहीं है रियलिटी में बिकॉज एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं आई ने ऐसा नहीं कहा है बिकॉज ये स्पेक्यूलेटिंग ऐसा हो सकता है अगर ये ऐसा नहीं है तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि बाईस तेईस मई तक अगेन दर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो ड्रॉ है वो होगा एंड आगे प्रोसेस स्मूथ चलेगा केस नहीं होता तो ट्वेंटी नाइन्थ के बाद ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ मे के बाद बिकॉज वो डेडलाइन जो है वो ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ मे तक की है जो कि ऑलरेडी एक्जिस्टिंग प्रोफाइल्स को एक्सप्रेस एंट्री वाले जो प्रोफाइल्स हैं उसमें एक्सप्रेस एंट्री के उसमें एक्सपेंसिज जो शो करना है वो ट्वेंटी नाइन्थ की डेडलाइन है तो उसके बाद ही फिर आगे का प्रोसेस रहेगा आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं हम लोगों को कनाडा जाके यूएस यूके ऑस्ट्रेलिया जर्मनी फ्रांस कहीं भी जाके पढ़ाई करने के लिए तो आप हम लोगों को नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज को भी पोस्ट कर सकते हैं मे गॉड ब्लेस यू आई विश आर वेरी हैप्पी लर्निंग